उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमनिया कस्बा स्थित एम हलीमा पब्लिक स्कूल में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की ओर से एक से बढ़कर एक कलाकृतियों की प्रस्तुति की गई। ये प्रस्तुति देखकर हर कोई हैरान रह गया कि आखिर इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा कैसे। निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय बच्चों की मेहनत, अभिभावकों, विद्यालय परिवार को भी जाता है। अभिभावक को संबंधित विद्यालय परिवार की मेहनत के कारण ही बच्चों की प्रतिभा निखरती है। स्टालों पर जेसीबी से लेकर कई प्रकार की सुंदर व मनमोहक कलाकृतियां देखने को मिली, जिन्हें देखकर हर कोई बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा मुक्त कंठ से कर रहा था। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों के अलावा अभिभावक भी मौजूद रहे। विद्यालय परिवार के आफ्ताब ने बताया कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों की प्रतिभा निखरे। इस मौके पर नसीम रजा, अंशु जायसवाल, अफजल, शम्स तमरेज आदि लोग मौजूद रहे। सर, माय नेम जैनब। जैनब जैनब जी, आप किस स्कूल में और किस क्लास में पढ़ते हैं? सर, फ्रॉम क्लास 8 टू और एम हलीमा पब्लिक स्कूल। हलीमा पब्लिक स्कूल, तो हलीमा पब्लिक स्कूल में आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? सर, बहुत अच्छा एडमिशन हुआ है और हम लोग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और हम लोग हर एक चीज हम लोग की करने के लिए मिला है और जो मतलब की जो एडमिशन है पूरे इसमें सर मतलब की इसमें सारे बच्चे बहुत खुश हैं और अच्छे से बना रहे हैं। सर को दिखा रहे सर में हम लोग सारे सर मैम खुश हैं। बता दीजिए जी, मेरा नाम रेशमा है। रेशमा जी, आप इस विद्यालय में पढ़ती हैं कि? जी, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। पढ़ाती हैं, टीचर हैं? जी हाँ, मैं टीचर। तो आज विद्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज यहाँ एग्जीबिशन हुआ था, बच्चों ने कुछ चीज़ें बनाई थी जो यहाँ प्रेजेंट की गई थी। यहाँ से बाहर से बहुत से लोग आए थे देखने के लिए, बहुत अच्छा हुआ था सब कुछ। आज के कार्यक्रम में लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा? लगभग सभी बच्चों ने किया था वैसे तो, ज़्यादातर कितने ने किया? माई सेल्फ अरविंद कुमार और मैं आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द एम हलीमा पब्लिक स्कूल। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एग्जीबिशन, एजुकेशनल एंड इंस्पायरिंग एग्जीबिशन एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन। यू हैव सीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडल्स एंड द चार्ट शीट, चार्ट पेपर्स एंड द स्टॉल्स। वी आर थैंकफुल टू ऑल दे हैव प्रेजेंट हियर। जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन का मुख्य ध्येय क्या, उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनाया जाए और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट को इम्फोसाइज किया जाए। अब नदी, मैं हलीमा पब्लिक स्कूल का मैनेजर हूँ। आफ्ताब जी, आज आपके विद्यालय में किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? जी हाँ, हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चों ने एग्जीबिशन कम फेयर लगाया था। इसमें कुछ बच्चे शॉर्ट टाइप भी लगाए थे, कुछ बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट को बना के तैयार किया, साइंस से रिलेटिव और मॉरल से रिलेटिव, मैथ से रिलेटिव और आपके ईवीएस से रिलेटिव। सारे बच्चों ने अपने अपने मॉडल बना के तैयार करके रखे और अपने मेहनत से अपने हाथों से बनाया, जिसमें कुछ आप लोगों ने भी देखा होगा, एक जेसीबी भी बनाया बच्चे ने, फिर और एक बच्चे ने जैसे हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया। इस टाइप के सारे बच्चे सारी आपकी अपनी चीज़ें बना के रखे। स्टालों पर देखा गया कि बच्चों की ओर से सुंदर कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है, तो क्या इससे पहले उनको प्रिंट करने के लिए स्कूल में कोई तैयारी वगैरह? कोई तैयारी नहीं, वो अपने प्रोजेक्ट को खुद पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे तैयार करते हैं। ऐसे कार्यक्रम आपके विद्यालय में क्या समय समय पर? जी हाँ, हर साल होते हैं हमारे विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम, ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और पेरेंट्स भी देख के समझे कि हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो कुछ कर भी रहे हैं।